धन इंडिया। शांत दिखने वाली सागर की सतह पर दरअसल कितनी बड़ी लहरें उछल रही हैं, इसका अंदाजा दूर से नहीं होता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। रात के सन्नाटे में सोते शहर की गुमनाम गलियों में क्या कुछ घटित होता है, ये कोई नहीं कह सकता। शहर पटियाला, साल 2012। कौन था ये लड़का, किसकी थी ये परछाई, किसने इस लड़के को पलक झपकते ही गायब कर दिया, और क्यों? आखिर क्या थी इस वारदात की सच्चाई? इन सवालों के जवाब जुड़े हैं युवा पीढ़ी के उन लोगों से जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। सावधान इंडिया के आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि जब नाजायज जरूरतें जज्बात पर हावी हो जाती हैं, तो कैसे जुर्म अपना सर उठा लेता है। ओए सुन इधरा, कुछ अच्छा सा बढ़िया सा मेरे दोस्तों के लिए लेकर आ, ठीक है? रुक रुक, ये ले। अरे चलो ना यार। हाँ। बैठो। अब बताओ क्या खाओगे तुम लोग? खाना तू देख ले यार। हेलो, इनके लिए ना मेरा वाला मेन्यू लेकर आओ। अरे खाओ भी यार, ठंडा हो रहा है। और चल बता, बियर कौन सी पिएगा? बियर छाड़े यार, यहाँ तो वैसे ही सब महंगा मिलेगा। Come on यार, कंगालों वाली बातें मत करो, तुम लोग सुमित के साथ हो। सुन, चार बियर लेकर आ। बॉस है बेटा, बॉस। रुक रहा ना, बहुत है इसके पास। वही तो बात है भाई, बाहर गाड़ी नहीं देखी, टॉप है भाई, टॉप। ऐश है बॉस, ऐश है। सही बात है, बहन हो तो ऐसी। अब मुझे तो लगता है वो इसे राखी नहीं, ये उसे राखी बांधता होगा। और हाँ, वो ना इसे उसके बदले में बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देती होगी। और इधर हमें देख लो यार, भगवान ने दिया भी तो वो मिडिल क्लास बाप और दो बहना, रुपए तो दूर, चिल्लर ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है यार। अच्छा चिल्लर सुन, थर्सडे ना फ्री रखना। क्यों भाई, शादी शुदी करने का मूड है तेरा? खोते दे पुत्र, तू जानता नहीं है बर्थडे इसका। अच्छा होटल वुड हाउस। होटल वुड हाउस? ओ यार वो 5-star होटल। हाँ हाँ वही। वो यार वो तो बहुत महंगा है यार। ओ यार तू समझता नहीं है यार कोई बात को, जानता नहीं है क्या? सुमित आहूजा भाई करोड़पति बहन का एक लौता भाई है। तो फाइनली थर्सडे होटल वुड हाउस, शाम 7 बजे सिजलर रेस्टोरेंट्स। आई बात समझ में? यस बॉस। अरे यार इतनी देर लगा दी लाने में। ये पॉसिबल नहीं है हिम्मत, तुम ऑलरेडी कंपनी में 25% के हिस्सेदार, और अब ये 40% की पार्टनरशिप? सॉरी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस कंपनी में मेरी और मेरे बाप की मेहनत लगी है, तुम अकेली ने इस कंपनी को यहां तक नहीं पहुंचाया। चिल्लाओ मत, तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम्हारे पापा इस कंपनी के मुलाजिम, उनकी डेडिकेशन को देखकर मेरे पापा ने उन्हें इस कंपनी में 25% की हिस्सेदारी दी। हाँ तो कुछ किया तभी तो हिस्सेदारी दी, मुफ्त में थोड़ी ना दी। तुम पिछले 3 साल में कितनी बार ऑफिस आए? 3 साल में 2 क्लाइंट्स, what an achievement! And उसके अलावा तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारा कार अलाउंस, तुम्हारा हाउस रेंट अलाउंस और तुम्हारे बाकी खर्चे, और इसके बाद अब ये 40% की हिस्सेदारी? Sorry, not possible. Possible तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम सीधे तरीके से मान गई तो ठीक है,
नहीं तो मुझे काम कराने के दूसरे तरीके भी आते हैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हें जो करना है तुम कर। चैलेंज दे रही हो, ठीक है, नाउ आई विल शो यू। सब्जी बन गई है ना, जल्दी से दाल भी रख लो, वो लोग आते होंगे। हाँ बड़ा करें, काम करें दे। आप तो कोई बात समझती नहीं हो मम्मी। हाँ हाँ अब तू ही समझा ले मुझे। 21st बर्थडे है मेरा, दोस्तों को बोल रखा है इस बार कुछ बड़ा करूंगा। अब प्रॉमिस का मतलब तो समझती हो ना आप। तो क्या, अब पैसों के बिना तो कुछ होना नहीं है। लेकिन बेटा इतने पैसे, 1.5 लाख तो होते क्या है 1.5 लाख। हाँ बेटा तेरे लिए तो नहीं होते होंगे, लेकिन तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरी बहन ने ही इस बिजनेस को संभाला और बढ़ाया है, तेरे लिए भी कुछ कट नहीं कर दियो। तो मैं भी कोई कम प्यार नहीं कर रहा दीदी से, ये आप भी जान लो। अब आप ही बताओ दीदी इतने पैसे कमाती है, इतने पैसे कमाने का फायदा ही क्या जब खर्ची ना हो, और वैसे भी कौन से दीदी पैसे दे देती है, आप ही तो दिलवाते हो। अब बोलती है कॉलेज खत्म होते ही ऑफिस ज्वाइन कर लो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? तो मैंने कब कही गलत है? 21st बर्थडे मुझे सेलिब्रेट कर देने दो, उसके बाद आप जो चाहे वो करा लो। और मम्मी आप कहोगी ना तो 5 की 10 दे देगी। अब ज्यादा पैंतरे मत दिखा मुझे, आएगी ना तो बात करूंगी उससे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। क्या बदमाश यार। हाँ बोल यार, क्या पहन रहा हूँ? अरे तूने मुझे डिजाइनर के अलावा और कुछ कभी पहनते हुए देखा है क्या? अरे नहीं नहीं ठीक, शाम 7 बजे तू आ जाना। ओए क्या हाल है? क्यों यार पुत्र, कुछ परेशान लग रही है? अरे माँ वो हेमंत है ना, बिजनेस में 40% की हिस्सेदारी मांगे। अरे तो दफा करना उसे, उसका बाप भी हमारे यहाँ मुलाजिम था, तुम्हारे पापा ने सर चढ़ा रखा था उसे 25% की हिस्सेदारी देकर। धमकी देकर गया मुझे? हाँ क्यों होया? 24 तारीख नू 21वां बर्थडे है मुंडे का। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो घर में पार्टी शार्टी करो, दोस्तों को बुलाओ। मैं बच्चा नहीं हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसा कर इस बार मंदिर जाकर ना गरीबों में रोटियां बांटना, बहुत दुआएं मिलेंगी। पुत्र जी इस बार ना इसने अपने दोस्तों से वादा किया है बहुत बड़ा कुछ करेगा। और ये बड़ा करने में कितना खर्चा होगा? वो करीब 1.5 लाख रुपए। मम्मी क्या हो गया आपको, ये कुछ भी कहता और आप सुन लेती है? अरे खर्चे देखे इसके, टॉप ब्रांड से कम के कपड़े नहीं पहनता, 5 स्टार से किसी कम होटल में खाना नहीं खाता। अब आप ही बताओ, मैं किसी भी चीज के लिए से मना करती हूँ? अभी तो इतनी महंगी गाड़ी खरीद के दी से, अरे इतना तो मैं दिन रात मेहनत करके भी नहीं खर्चती, जितने इसके खर्चे बढ़ते जा रहे, ये सब ना आप ही के लाड़ प्यार का नतीजा है। सॉरी भाई इतने पैसे मैं नहीं दे सकती। मुझे पता था आप मुझे खुश देख ही नहीं सकती हो, इस घर में कुछ है ही नहीं मेरे लिए। ओ हेलो हेलो हेलो, ज्यादा फिल्मी बनने की जरूरत नहीं है। देख अब तू बड़ा हो गया, ये फिजूल खर्चियां जब तक बंद नहीं होंगी ना, तब तक ना तो तुझे पैसे की कदर होगी और ना ही पैसा कमाने की अकल आएगी। अब बोल तो दिया है ना कॉलेज खत्म होते ही ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा, अब तो बर्थडे मना लेने दो। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मनाना, लेकिन ये सब बजट के अंदर भी तो हो सकता है ना, इस तरह से शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? इन फिजूल खर्चियों के लिए मैं पैसे नहीं दे सकती। अरे खाने पे क्यों अपना गुस्सा उतार रहा है तू? है ना पुत्र, अभी उसको पैसे दे देना, अब उसके बर्थडे के बाद ही अपना डिसिप्लिन झाड़ लेना तुम भी। मम्मी आप भी ना, कुछ नहीं हुआ उसे, आ जाएगा अभी 10 मिनट में, आप खाना खाओ। मीरा, मीरा पुत्र, मीरा पुत्र। माँ क्यों हुआ? नहीं सवेरे सवेरे पुत्र वो सुमित। क्या हुआ सुमित को? कल रात गुस्से में गया था ना, हाले तक नहीं आया। आ जाएगा मम्मी,
पर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने सोचा आ जाएगा, पहले भी तो कई बार देर रात आता था ना वो, लेकिन अब तो सुबह के 6 बज गए हैं पुत्र जी। तू भी पैसे दे देती तो क्या चला जाता तेरा? क्या मम्मी, किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। आपने उसका फोन ट्राई किया? बहुत बार किया, स्विच ऑफ आ रहा बेटा। मैं एक बार ट्राई करती हूँ। ठीक है। विनीत के यहाँ फोन लगाया? मां, विनीत, पम्मी, विद्या, अमित, हर किसी के यहाँ पर। इनफैक्ट उसके स्कूल के और कॉलेज के दोस्तों को भी फोन लगा लिया, अपने फूफा जी और चाचा जी को भी, पर वो कहीं भी नहीं। वो हिम्मत के यहाँ मिला है बेटा? मैं अभी आती हूँ। मैं मीरा का मकसद था अपने भाई की जिंदगी को अनुशासित करना। आज हमारे देश में लाखों युवा कंज्यूमरिज्म की चपेट में आकर अपनी जिंदगी का सही मकसद ही भूले बैठे हैं। मीरा के भाई सुमित को इस वक्त अपनी बहन की नसीहत नागवार गुजरी और इसीलिए वो गुस्से में उस रात जो घर से निकला तो फिर लौट कर नहीं आया। लेकिन कभी कभी सच्चाई इतनी सरल नहीं होती, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इधर मीरा की माँ का डर के मारे बुरा हाल था, उधर मीरा दोस्तों और रिश्तेदारों में सुमित को ना पाकर पुलिस के पास जा पहुंची। हेमंत अरोड़ा, मेरा बिजनेस पार्टनर, उससे कुछ अनबन चल रही है। कल शाम ही मुझे धमकी देकर गया था। सतपाल नु भेजकर इस हेमंत अरोड़ा को थाने बुलाओ। जी। और मैडम जी, आप जरा लड़के दे कॉलेज और हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक कर। जी। और हाँ मंजोत, इन्हें तो पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। जनाब। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। सुमित के कॉलेज, कॉलेज के दोस्तों और सगे संबंधियों की जांच पड़ताल। गुजरते वक्त के साथ साथ मीरा और खासकर उसकी मां की चिंता बढ़ती जा रही थी। मीरा अपनी मां को तसल्ली देने का हर संभव प्रयास कर रही थी। सर, मैंने उनके दोस्तों और हॉस्पिटल में भी चेकिंग कर ली, कहीं कोई सबूत नहीं मिला। उधर मीरा के बिजनेस पार्टनर हेमंत अरोड़ा के घर जब छापा मारा गया तो पुलिस को दरवाजे पर ताला मिला और हेमंत को पटियाला जीटी रोड पर अपनी कार में फरार होने की कोशिश करते हुए धर लिया गया। मैंने धमकी जरूर दी थी, लेकिन सर मैं ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता। करते? ताला क्यों लग गया तेरे? सर, मेरी बीवी अमेरिका अपने भाई के पास गई हुई है और मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहन की शादी के लिए दिल्ली जा रहा था, तभी आपके लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सर प्लीज, सर प्लीज, मेरा यकीन कीजिए। भाई यकीन भी कर लेंगे, पहले सबूत तो मिलन दे। मुजत, इस हरोड़ा को भी ऐसे रख। ना। मैडम चाय। भाई हमारे पास है, तुम्हारा जिंदा है, बाकी बाद में। कोई खबर आई पुत्र? नहीं माँ, कोई खबर नहीं है। अब कहाँ जा रही हो? बस अभी आई। अब सर जी बैठो। जी वो आपको बताया था ना, वो मैसेज आया। देखो मेरा जी, ये मैसेज मोबाइल से नहीं, इंटरनेट तो है, पर इसकी कोई ट्रेस नहीं मिल रही। बाय द वे, तुम्हारे पार्टनर हेमंत अरोड़ा ने इतने रोक कर रखे हैं। तो फिर ये मैसेज वो तो नहीं भेज सकता ना? मैडम जी, वो कैसे भेज सकता है ये मैसेज? शायद सर किसी दूसरे बंदे से काम करवाया उसने। तो कोई और खबर मिले तो हमें तुरंत बताना। पुलिस ने मैसेज के विषय में हेमंत से सच्चाई उगलवाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन हेमंत जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। उधर अपने भाई की सलामती को लेकर हर पल चिंता बढ़ती जा रही थी मीरा की। वो अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती थी, मानो वो उसका भाई नहीं बेटा हो।
लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अपने अनुशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार मान रही थी और खुद को बेहद बेबस और लाचार पा रही थी। मम्मी तुझसे हिम्मत रखो, तुझसे रो मत। नाराज होके गए मेरे पुत्र। तो नाराजगी खत्म हो जाएगी तो आ जाएगा ना, तुसी अदा ना करो। आ जाएगा ना? आ जाएगा मां, रोना बंद करो। ठीक है। हेलो, ले बात कर, बात कर। दीदी सुमित, सुमित तू कहाँ है? दीदी मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या कुछ पिया है? आप मुझे बचाओ दीदी। देखो मैडम, कल शाम 6 बजे तक का टाइम है। 10 लाख अंबाला हाईवे नंबर 302 पर सुखना मोड़ है, कल शाम 6 बजे। हेलो मेरी, क्या हुआ सुमित को? कहाँ है सुमित? आ जाएगा ना? मां सुमित आ जाएगा। वो आ जाएगा ना? वो पुलिस को बताने से मना किया। पुलिस? अबे चाटा तो धीरे मारा कर यार। सॉरी सॉरी सॉरी। आओ ना गल, क्या एक्टिंग करी है यार तू? पैन की कोगी बंद होगी होगी क्यों? सही गल है। ओ यारा, एक्टर नहीं एक्टर का बाप है, अगर 2 मिनट और करता ना तो मैं ही रो देना था। क्या बात करता है। और जो प्लान बनाया है ना भाई, वो कमाल था। वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से की ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। बस अब पैसे आ जाएं, फिर अकेला इसका नहीं, तीनों का बर्थडे मनाएंगे। यस, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। ये सुमित आहूजा का प्लान है। और जहां तक मैं अपनी दीदी को जानता हूँ ना, बाहर से कितनी भी सख्त हो, अंदर से मोम है। पैसे आते ही ना पार्टी करनी है दबा के। यस, अबे पार्टी पार्टी पार्टी। अपहरण वो भी खुद का, डकैती वो भी अपने ही घर में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2012 में हमारे साल में अपहरण के कुल 47,592 मामले दर्ज किए गए। लेकिन पटियाला की इस घटना को अपहरण कहना अपहरण की कानूनन व्याख्या का मजाक होगा। फैशन, दिखावा, झूठा अहम और आडंबर कुछ युवाओं पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद उनके लिए ना तो परिवार कोई मायने रखता है ना ही रिश्ते। कहते हैं जीवन में सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, उस तक पहुंचने का रास्ता भी नेक होना चाहिए। लेकिन यहां तो दोनों ही गलत थे। अब इसका परिणाम सही हो, ये कैसे संभव था? एक भाई अपनी बहन के प्यार और उसके विश्वास का नाजायज फायदा उठा रहा था। एक प्यार भरे रिश्ते की जगह ऐशो आराम की चकाचौंध ने ले ली थी। उधर मीरा फिलहाल इस घिनौनी साजिश की सच्चाई से अनजान थी। वो और उसकी माँ तो डर और चिंता से बेहाल थी। फोन कितने बजे आए सी? जी करीब 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले? जनाब नंबर ट्रेस हो गया है, होटल गोल्ड लाइन शंकर चौक। होटल गोल्ड लाइन। हवलदार, कमरे की तलाशी लो अच्छी तरह से। बस चंगी तरह चेक कर। और मैनेजर? हाँ सर। कमरे तो बड़ा साफ सुथरा कर दिया तूने। नहीं सर। बोलिया तो याद है उनका? सर मैं तो हफ्ते भर से छुट्टी पर था सर, कल ही आया हूँ। हाँ 3 बंदे थे साहब, और एडवांस बुकिंग थी सर उनकी, पैसे भी उन्होंने एडवांस में दिए थे सर। जब मैं यहाँ आया तो सर कमरा बिल्कुल साफ था सर। कितने पहले अलग से तूने? नहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं थे? हाँ सर, मेन लॉबी विच है सर। जी टेप करो। मंजोत, ये हेमंत अरोड़ा नु छड़ दे। बाल हेमंत ले गया। मीरा जी, ये कीड़े दोस्त है सुमित के, कॉलेज वाले तो नहीं लगते। सर जी, ये मुंडे था मैं भी पहली बार देखे अपने एरिया विच। सर मैं भी इनसे पहले कभी नहीं मिली। फिर नो दिम। तुसी जा सकते हो।
होटल ठीक था यार, पर ये जगह भी बुरी नहीं है। वो क्या है ना, फ्लैट ना मेरे ताऊजी दा है, और ना दी ट्रांसफर ना दिल्ली हो गई है, इसलिए वो चाह भी मुझे दे गए। ओ, होटल में रह लेते तो कौन सा फर्क पड़ जाता। ओके, तू ना गोगा ही रहेगा, कहना किडनैपिंग की है, कोई मजाक नहीं की है, और वैसे भी ना जगह बदलती रहनी चाहिए ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा, बड़ा समझदार हो गया तू। थैंक यू। अच्छा, अब कुछ देर में हमें फिरौती की रकम कलेक्ट करने के लिए निकलना होगा, और वैसे भी मेरे पैसे खत्म हो रहे भाई लोग, और मैं जल्दी जल्दी में अपना क्रेडिट कार्ड भी भुलाया। अरे और क्या क्या भुलाया तू घर। ओ भाई, एक बात ध्यान से सुन ले, हमारे पास पैसे नहीं है, समझ गया? अगर पैसे टाइम पे ना मिले ना तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाने। गोगे, तू चिंता ना कर, है ना हमारा नंबर वन खिलाड़ी, और कोई पंगा नहीं होगा। क्यों, कुछ पता चला? पता चल जाए। हेलो। हेलो, आज शाम 6 बजे, याद है ना, अंबाला हाईवे नंबर 302, पैसे लेके पहुंच जाना। पैसे नहीं मिलेंगे। क्या क्या बकरी है तू? मैंने कहा पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये क्या बोल रही हो तुम? ओए, तेरे भाई की हड्डियां पसली तोड़ के ना भेज देंगे अगर पैसे नहीं मिले तो। तुम्हें जो करना है करो, पैसे नहीं मिलेंगे। की कर रही है तू, कर की रही है तू? वो तेरे भाई को मार डालेंगे, पागल हो गई है क्या? मैं की करा? माँ भरोसा रखो, कुछ नहीं होना उन्हें। आज तेरे लिए रिश्ते हैं तो वध के पैसा हो गया, भाई को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए, है ना? भाई जाता है तो जाए, पर तेरा पैसा। मेरी बात तो सुन, एक मिनट सुन तो सही। ये होया? ओए मना कर देता हूँ। मना करता? हाँ। अबे टेंशन मत ले यार, बहन है मेरी, 2-3 दिन रुक जा, मान जाएगी। हाँ मेरा जी, कॉल ट्रेस किया हमने, सेवा नगर थी किसी पब्लिक बूथ तो आया सी फोन, टीम भेजी हमने उठे। जी मैंने उन्हें फिरौती देने से मना कर दिया, अब यही उसकी बेवकूफी की सजा है। हमारी ओर से कोई डेवलपमेंट होगी तो तुहानू खबर कर देंगे। जी तां सर जी, हुण आपां नूं करना की है? ओए करना की है मंजोत, नजर रख, आज नहीं तो कल थक हार के घर लौटा गया मुंडा। ये आज कल के बच्चे भी। मीरा और सुमित के पिता की मौत करीब 6 बरस पहले हो गई थी, और मीरा अकेले अपने दम पर अपने परिवार को इस मकाम तक लेकर आई थी। आज 30 बरस की उम्र में भी अविवाहित मीरा को खुद से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र थी। वहीं दूसरी ओर उसका भाई सुमित अपने ही घर में सेंध लगाने की फिराक में था, अपने ही परिवार को दर्द और तकलीफ के भंवर में धकेलने को बेताब था। ये युवाओं में बढ़ते उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म का ही नतीजा है। फिलहाल मीरा ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपने भाई से बेइंतहा प्यार था और वो उसे सही रास्ते पर लाना चाहती थी, लेकिन सुमित को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। आप ना बेकारी टेंशन ले रहे हो मम्मी, बुखार बढ़ता ही जा रहा है आपका, आ जाएगा वो। तेरा दिल तो पत्थर का हो गया, क्यों कर रही है तू ऐसा? ऐसे बथेरे 10 लाख पड़े हैं अपने घर पर, तू नहीं दे सकती ना, तो मत दे, मेरे जेवर बेच दे। माँ ऐसा कुछ नहीं है। हेलो सुन, दीदी मुझे बचाओ, दीदी आखिरी वार्निंग दे, पिछली बार दे तू मना कर दी थी, इस बारी पैसे लेके ना आई ना तो तेरे भाई की गिरजा कर्म की जिम्मेवारी तेरी। सीधे सीधे सुमित को घर भेज दो, सुना तुमने? हेलो जान लेकर छोड़े मेरे बच्चे की। सुमित को कुछ नहीं होना, आप मेरा यकीन करो ना। क्यों करूं? तेरी
किस बात पर यकीन करूं मैं? क्योंकि ये सब ना उसका खुद का किया हुआ है। मतलब? साहबजादे ने खुद की किडनैपिंग प्लान की थी। ये जो फोन कर रहा है ना, ये सब उसके दोस्त हैं। मैंने खुद उसे इनके साथ उस होटल में देखा था। ऐसा क्यों करेगा वो? बर्थडे के पैसे नहीं दिए ना मैंने, बस तभी ये प्लान बना लिया। मैंने कहा था आपसे, बिगड़ रहा है वो। अब देख लीजिए, अब आप ही बताओ माँ मैं क्या करूँ। ये सब तो पहले नहीं बता सकती थी मुझे। मैंने सोचा था कि फिरौती की रकम देने से मना कर दूंगी तो शाम तक खुद ही अपने आप लौट आएगा। देख ली आपने उसकी इज्जत? तू ही इज्जत छोड़ देना अपनी। नहीं मम्मी, इस बार उसे बख्श दिया ना तो अगली बार फिर कोई बड़ा कांड करेगा। लत पड़ जानी है उसे चोरी चकारी की। अब बस करना तू। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं सुननी तुम लोगों की बात। अरे सुमित यार थोड़ा वेट तो कर, आ जाएंगे यार पैसे, कोई गल नहीं है। देख मेरी बहन पैसे वैसे कुछ नहीं देने वाली है, मुझे लगता है उन्हें सब पता चल गया है। मुझे और टेंशन नहीं देनी अपने घर वालों को। तेनू की लगता है वो माफ कर देगी तेरे को? कर देगी, मैं पैर पकड़ लूंगा उनके। आई लव माई सिस्टर यार, उन्होंने बहुत किया है मेरे और मेरी मम्मी के लिए। अच्छा आज बहुत भैन भैन कर रहा है। उस दिन क्या बोल रहा था? मेरी बहन कंजूस है, बदतमीज औरत है। अरे आज भगत बन रहा है, हमें फंसा के जाएगा। सही बात है, हम क्या जवाब देंगे? पुलिस वाले हमारे घर पर आएंगे और बाप पूछेंगे। फिर बाप को छोड़, हाथ में अठन्नी नहीं है, ऊपर से फेरे कराने हैं। मुझे नहीं मालूम, उसे मैं जा रहा हूँ। तुम्हें तो कहाँ जाएगा? पुरानी लोक कथाओं में भेड़िया आया वाली कहानी काफी प्रसिद्ध है। आज सुमित की हालत उस कहानी के गडेरिये जैसी ही हो गई थी। वो सच कह रहा था, लेकिन उसका खुद का रचा किडनैपिंग का भयानक झूठ उसके आज के सच पर हावी हो गया था। जन्मदिन को बड़े अंदाज में मनाने का जुनून उसकी जान के लिए आफत बन गया था। गलत रास्ते पर चलने का अंजाम गलत ही होता है, अब सुमित को इस बात का एहसास हो रहा था। आज पूरे 10 दिन हो गए ने, तू तो कह रही थी आ जाएगा वो। आज 24 तारीख है, आज उसका खोलना इसको। हाय शर्ट तो मेरे सुमित पुत्र दी है, क्यों गया मेरे पुत्र को? ये सब ड्रामा है। हेलो, आज बर्थडे हैगा ना उदा? गिफ्ट भेज दिया है। देख लियो और अपनी माँ को भी दिखा दियो, वो छान लेगी। ओ बस ओए, जब कल दोपहर तक पैसे ना आए ना
तो मैंने उसका सिर कट के भेज देना तुम्हारे पास, वो भी बिना ताड़ के। समझ आ गई? हेलो हेलो, तुम मनु दस्ती क्यों नहीं, कितने को सब कुछ पता है। मैंने ना सुमित और उसके सारे दोस्तों को रंगे हाथों पकड़ना है, सारी अक्कड़ ढीली हो जाएगी उसकी, सुधर जाएगा एकदम। अब शांत हो जाओ मां, कुछ नहीं हुआ अनु। मेरा फोन कटता, गोगे दा फोन कटता, ऐदी ता मैं। गोगे रुक जा, गोगे गोगे। इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला? मैडम कोई कर की रहे तो अडपरा, 10 दिन हो गए, अब तक तो घर आ जाना चाहिए था उसे। इस बार फोन आए तो आप बता दो उसे। शिखर में माँ भी बहुत परेशान है। देखो मैडम जी, बहुत हो गया ड्रामा। आप सर, वो सुमित की शर्ट जो फ्रेंसिंग में भेजी थी, ये उसकी रिपोर्ट। क्या हुआ मैडम जी? शर्ट पे खून तो तोड़े प्राद ही है, डीएनए की रिपोर्ट तो यही बता रही है। मंजोत, लास्ट कॉल ट्रेस करो तुरंत जनाब। पर ऐसा कैसे हो सकता? पूरे कमरे की तलाशी अच्छी तरह से, जल्दी। हेलो हेलो हेलो। ओए गोगे, किसका फोन सी? सुमित दा। ठहरे यार, सुमित समझ नहीं आ रहा यार, क्या बताऊं। क्यों ऐसी बोल बोल? इंटरनेट पे दोस्ती हुई थी, चैट रूम पे। सर सर गलती हो गई, गलती हो गई सर। किडनैपिंग का प्लान भी सुमित का ही था सर, उसकी बहन पैसे नहीं दे रही थी तो सुमित कहता कि किडनैपिंग का ड्रामा करते हैं। फिर सर पंगा हो गया। उसकी बहन को हमारी बात समझ ही नहीं आ रही थी। तू आगे बोल। सर, चार दिन हो गए थे, सुमित घर जाने की बात करने लगा, फिर सर उसने इसे बहुत मारा। सर हम सुमित के पैसों पर बहुत ऐश करते थे सर, जो चाहे खाना, जहाँ चाहे घूमने जाना। उसके बर्थडे पर भी हम बड़े से 5-4 में पार्टी करने वाले थे, पर पता नहीं क्यों उसकी बहन ने पैसे देने से मना कर दिया। सॉरी भाई, इतने पैसे मैं नहीं दे सकती, ये सब बजट के अंदर भी तो हो सकता है ना। हमने उसे पैसे निकालने के लिए सुमित को अगवा करने का नाटक किया। आइडिया सुमित का ही था सर, पर पता नहीं कैसे उसकी बहन को हमारे इस प्लान के बारे में खबर हो गई और उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया। मैंने कहा पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्या? और फिर सुमित ने भी इस प्लान को कैंसिल करके वापस घर जाने की बात की। हम डर गए थे सर, इसलिए सर हमने सुमित को जबरदस्ती रोक कर रखा और सोचा कि उसकी बहन से पैसे लेकर कहीं दूर भाग जाएंगे सर, पर उस जबरदस्ती में गलती हो गई। नहीं होगे, मर जाऊंगा। फोन नहीं उठाएगी इसकी बहन मेरा।
गुगे, ओए क्या हो गया? देखियो वो क्या हुआ? ये तो मर गया यार। क्या मर गया? ओ क्या किया तू? ओ क्या हो गया? मर गया यार। ओ गोगे क्या किया तू? मर गया। दोनों तो वो हल करूंगा कि तो दिन नानी याद आ जाएगी। तो आरोप कैसे थे ये दोस्त और कैसी थी इनकी दोस्ती? आज के अत्याधुनिक जमाने में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का साधन इंटरनेट अपराध को शह देने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। टेक्नोलॉजी एक दुधारी तलवार है, ठीक वैसे ही जैसे धन और दौलत। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो सुख और शांति, और गलत इस्तेमाल तो रास्ता मौत तक भी जा सकता है। युवा शक्ति है, देश का गौरव है, भविष्य है, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग, गलत दिशा में उसका भटकाव सिर्फ युवाओं को ही नहीं देश को खतरे में डाल सकता है। तकनीक, समृद्धि, सुख सुविधाएं ये सब आती रही, लेकिन नैतिकता और सच्चाई के पुराने मूल्य शाश्वत हैं, कभी नहीं बदलते। गोगा और राणा को अपहरण के इल्जाम में आईपीसी की धारा 364 और गैर इरादतन हत्या के लिए आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। मीरा ने अपने भाई को खो दिया, लेकिन उसने अपने उसूल नहीं छोड़े। अंत तक संघर्ष किया कि भटक चुका उसका भाई सही रास्ते पर वापस लौट आए। उसने डर, जिद और धमकियों के आगे सर नहीं झुकाया और कानून का दामन कभी नहीं छोड़ा। सावधान इंडिया मीरा के साहस को सलाम करता है और आप सबको आगाह करता है कि झूठ और आडंबर की दुनिया से दूर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।